अरे रोते नहीं है बेटा, यहाँ बैठ जाओ, बैठ। अरे अरे बहन जी, वो आपकी बच्ची टेम्पो में। अरे आपकी बच्ची वहाँ देखिए। अरे वो बच्ची, सुनो, उनकी बच्ची, मेरी बच्ची। हिंदू, हिंदू, हे भगवान, हिंदू। कोई तो उस गाड़ी करो तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। ए, तेरे दोस्त इसलिए बोल रहे हैं, हर चीज की एक हद होती है। इतना जोखिम उठाना जरूरी था क्या? अगर उस कार का ब्रेक नहीं लगता तो क्या होता था, एक बार सोच के देख। हाँ सही का, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हमें पार्टी करने के लिए पैसा उधार में कौन देता? यार वो फ्लो में मैं। अबे मुंह बंद रख। तो मुझे क्यों मार रहा है? मारना है तो उसे मारना, उसे कितना भी समझा लो वो समझता ही नहीं है। चाहे कितना भी रिस्क हो, इसे जो अच्छा लगता है सिर्फ ये वही करता है। हेलो, thank you.
करती है ठीक है, पर प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना। जब इसके पापा दुबई से आए थे तब इसकी शादी के मुतालिक सोच रहे थे, पर ये अभी बच्ची है ये सोचकर हमने उन्हें वापस भेज दिया। पिछले 5 साल से एक ही जिद पड़ी है। अगले महीने इसके पापा दुबई से आ रहे हैं, इसे राकेश से शादी के लिए राजी कर लो, वरना इसके पापा खुद इसके लिए लड़का तलाश कर लेंगे। इस बार वो तुम्हारी शादी करवा कर ही रहेंगे। बचपन से तुम दोनों दोस्त हो ना, ये शायद तुम्हारी बात मान जाए। क्या मसला है तुम्हारा? खानदानी मसला है यार। बचपन में मेरे वालिद ने दादाजी से वादा कर लिया था कि वो मेरी शादी फूफी की बेटी से करवाएंगे। दादाजी के गुजरने के बाद फूफी और पापा में अनबन हो गई, जिसकी वजह से अब वो आपस में बातें नहीं करते। लेकिन अब हमारी शादी की बात आती है तो पापा का कहना है कि दोबारा तुमने हमें किसी लड़की की तस्वीर दिखाई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी शादी हमने बचपन में ही अपनी बहन की बेटी के साथ तय कर दी थी। हमने अपने बाबा से वादा किया है, तुम्हें समझ में नहीं आता है? तो आपको एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। हम क्यों उनसे बात करें? उन लड़की वालों को इतना गुरूर है तो हमें कितना होना चाहिए? खुद ही आएंगे, जरूर आएंगे। ऐसे वक्त में अपने मोहब्बत के बारे में बताऊं तो वो फूफी के घर जाकर के मेरा रिश्ता तय कर देंगे। इसलिए मैं उसकी शादी होने तक इंतजार कर रहा हूं, ताकि सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएं और हमें अपना मोहब्बत भी खोना नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो, अगर तुम्हारी तरह वो लड़की भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो तो? ऐसा हो तो कोई मसला नहीं है, पापा को वजह बताकर शादी के लिए राजी करवा दूंगा। तो अगर वो लड़की किसी से मोहब्बत करेगी तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, मैं उससे मोहब्बत करूंगा। भाग दो, ऐसी बात मत करो, पता नहीं वो लड़की कैसे दिखती होगी, उसे देखे बिना तुम। सचमुच की मोहब्बत नहीं, बस मोहब्बत का नाटक करेंगे। नाटक करोगे? हाँ, उस लड़की को प्यार के जाल में फंसा कर तुम्हें फोन करूंगा तो तुम अपने पापा को वहाँ पर लेके आ जाना। उसके बाद मैं उस लड़की से माफी मांग कर पूरा मामला खत्म कर दूंगा, और उसके बाद तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हो सकता है वो बोलो ना। ए, इस मामले में तुमसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, कम से कम उसे तो हमारी मदद करने दो। मदद नहीं, उसका पता बताओ। एक्सप्रेस टावर कुंडापुर। क्या कहा? एक्सप्रेस टावर? उसके अलावा दूसरा कोई मकान पूछो तो बता देंगे। क्यों, वहाँ कोई मसला है? चल ला, निकल यहाँ से। वहां जिनके खुद के मकान है वो भी अपना मकान छोड़ना चाह रहे हैं। वो क्यों? ए, कार के पास क्यों खड़े हो? खड़ोस लग जाएगी तो। कान खाली नहीं है, कहीं और देख लीजिए। क्यों, आपने घायल देखी है? एक बार और। जानी दुश्मन, थोड़ा सा तहलका, अंगारे, फुलन देवी। अच्छा है ना, अगर उस मकान में जाएंगे तो आपको इन सारे लोगों के दीदार नसीब होंगे सर, और उन लोगों का हमला भी बहुत खतरनाक होता है। अरे बाप रे, कोई रोको। वो कुत्ता पीछे पड़ता है पर किसी को काटता नहीं है, उन बच्चों ने उसको ट्रेनिंग दी है। ए, हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। तुम परेशान मत हो, हम उस मकान में जाएंगे भी और उस लड़की को पटाएंगे भी। लड़कियों को बाद में देखना, पहले उन बच्चों से होशियार रहो। सुनो, तुम्हारे पीछे जो लड़की नीले चूड़ीदार में जा रही है ना, वही है मेरी फूफी की लड़की। अरे बाय। अरे मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। कौन चाहिए जनाब? अभी जो नीले चूड़ीदार में गई नाम है ना, क्या वो नाम ही नीले चूड़ीदार वाली है। जाइए जनाब, क्यों खामखा समय खराब कर रहे हैं? सच में उसका नाम नीले चूड़ीदार वाली है। अरे जाइए यहाँ से।
स्टॉप इट वासी प्लीज ये रुको बताती हूँ नहीं ए पिछली बार पैसे चुराने वाले चोर तुम ही थे ना 502 में गहने चुराने वाले चोर तुम ही थे ना हाथ लगना ही था तो इनकी ही हाथों लग गया ए सच बोलो तुम सुपरमैन हो ना तुझे कैसे पता चला मैं जानता हूँ सुपरमैन ए तुझे कैसे पता मुझे पता है सुपरमैन इसी तरह उड़ते हुए लटकते हुए आता है अरे जल्दी से फैसला करो क्या करूं? हम कैसे मान ले तुझे दिख नहीं रहा वो हवा में लटका हुआ है ठीक है चल देखते हैं लिबास तो सुपरमैन वाला नहीं है अरे वो हर रोज एक ही लिबास में नहीं रहता गाइस जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो सब लोग हमें डांटते हैं आज से हम टेरिस पे खेलेंगे अगर बॉल नीचे भी गिर गई तो कोई बात नहीं क्योंकि हमारे साथ सुपरमैन होगा वो बॉल हमें लाके देगा हाँ वैसे भी हमारी टीम में कोई अच्छा फील्डर नहीं है क्या कहते हैं ये डील सही है अब से तुम हमारी टीम में हो ओके बैटिंग टीम तुम लोग बैठ जाओ चेतन उस तरफ जा चलो चलो जल्दी मैं कहा ठीक है ठीक है चलेगा देखना मैं कैच करूंगा हम बात करेंगे थोड़ा दूर जाओ मुझे फॉलो करना ठीक है हां जल्दी चलो अरे यार अरे जल्दी क्या कर रहा है ए बॉल नीचे गिर गई अरे बॉल क्या है बॉल नीचे गिर गई कहाँ गई कहाँ जा रहे हो सीढ़ी उस तरफ है ना अच्छा सीढ़ियों से तो हम लोग भी जा सकते हैं तुम सुपरमैन हो ना तो यहाँ से जाओ और यहीं से आओ क्या कहा ऐसे जाकर वैसे आऊँ हाँ तुम सुपरमैन हो ना जाओ ना सुपरमैन जाओ 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 Superman.
सुपरमैन, आप हमें बहुत पसंद आए, आप हमारे साथ यहीं रहेंगे? ये अच्छा मौका है। ठीक है, एक शर्त पर रहूंगा, मैं सुपरमैन हूँ, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो क्यों? अरे वो सुपरमैन का स्टाइल है। वैसे भी यहाँ कोई फ्लैट खाली नहीं है। कौन सा फ्लैट चाहिए? 801 ओ 802 सर आपका कोरियर। साइन सर। इसमें तो गणेश कृष्णा लिखा हुआ है, मेरा नाम तो वसंत है। सर 802 एक्सप्रेस टावर्स व्हाइट एड्रेस। अरे अरे, आपने जो एड्रेस कहा वो तो सही है, लेकिन मैं गणेश कृष्णा नहीं हूँ, मेरा नाम वसंत है। अंदर चलो डार्लिंग। ये लीजिए। ठीक है बच्चों, हम दोनों एक हो जाएं। उम्मा 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 हे उम्मा 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 उम्मा। अब कौन आ गया इस वक्त? क्या है सर आपका पोस्ट किसके नाम से? बीरबल। मेरा नाम वसंत है भाई। सर एक्सप्रेस टावर्स वाइट पता सही है, पर मैं बीरबल नहीं हूँ, मैं वसंत हूँ। चलो जाओ सर। आ गई वो घड़ी जिसका था मुझे इंतजार। लगता है पड़ोस वाले की बेल है। ऐसा क्या? हमारी बेल है यार। सर पिज्जा सर। ओ बे तेरे पिज्जा की टू। जनाब आपकी बिरयानी। जनाब आपका सामान। अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? नो अनु 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 अनु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दो प्लीज। तुम मेरी सोना हो, तुम मेरी बेबी हो, तुम मेरी जान हो प्लीज। अब कौन आया? हैप्पी बर्थडे सर। मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा डेड डे, डेड डे, डेड डे। अब तुम क्या लाए हो ये बताओ? इस मकान के नए मेहमान हैं बच्चे। एक नया बकरा आया, वो फंस गया, हम तो निकलते। फसा पूरा फसा। Beautiful, isn't it? क्या हुआ मामा जी? मेरी एक मदद करोगे? हाँ? लगता है पूरी तैयारी से आए हैं। कहिए। दिव्या मुझसे शादी करेगी या नहीं जरा पता लगाओ। ओके। दिव्या। क्या हुआ? एक सीक्रेट। सीक्रेट जोर से बताया जाता है। कुमार मामा पूछ रहे हैं कि आप उनसे शादी करोगी? कुमार अपनी बहन से मिलने आए हो ना, 2-3 दिन रहकर चले जाना। मैंने अपने बाबा से वादा किया था कि अपनी बेटी की शादी अपने भाई के बेटे से करवाऊंगी। फिर अपने भाई से बात करके दिव्या की शादी करवा दीजिए ना। मैं क्यों उससे बात करूं? जो इंसान मेरे हाथों में पला बड़ा है, अगर उसमें उतना गुरूर है तो मुझमें कितना गुरूर होगा? ना वो आएंगे ना ये जाएंगी, समझ लो तुम्हारी शादी हो गई। तुम चुप रहो, इसकी शादी राकेश से ही होगी। चिल्ड्रन नॉट आउट, अपनी अपनी जगह पर जाओ, जाओ जाओ। बॉल। कौन है वो? चुड़ैल है, नाम है दिव्या, हमारी ट्यूशन टीचर है। छोटी सी गलती पर बड़ी सजा देती है। दिव्या कभी लिफ्ट से नहीं जाती, हमेशा सीढ़ियों से जाती है, कहती है ऐसे में एक्सरसाइज होती है। वो जाती है तो ठीक है, पर हमें भी अपने साथ सीढ़ियों से लेकर जाती है। वो खुद को बास्केटबॉल चैंपियन समझती है, लेकिन आज तक कोई मैच जीती ही नहीं। कहती है हमें मातृभाषा आनी चाहिए, इसलिए हमेशा हिंदी क्लास लेकर हमारी जान खाती रहती है। पता है उसके पीछे जो बच्ची बैठी है उसका नाम वासावी है, दिव्या की ज़ेरॉक्स कॉपी। वो उसी की तरह चलती है, बोलती है, हंसती है, बिल्कुल बंदरिया जैसे। परसों ट्यूशन में उसको गुस्सा मारा था, ट्यूशन जाते ही गमलों में पानी भरना पड़ा। अगर कोई फूल मुरझा जाता है तो हमें ही सजा मिलती है, कहती है कि हमने ही किया है। मैंने सुपरमैन के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, मुझे डर है कि दिव्या मुझे डांटेगी।
यार कोई आइडिया देना, तो अपने घर में तो सिर्फ झूठ ही बोलता है ना। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, देख कैसी चला रही है, निकाल बुक निकाल। कल ट्यूशन में क्यों नहीं आए तुम लोग? मैं तुम ही से पूछ रही हूँ, लास्ट बॉय। तुझसे पूछ रही है बोलना? वो भी लास्ट बॉय है ना। साई, मुझे लूज मोशन हुआ था मिस। मुझे टाइफाइड मिस। मुझे चिकनगुनिया मिस। मुझे हार्ट अटैक आया था मिस। मुझे डेंगू फीवर मिस। मुझे मलेरिया हुआ था मिस। मुझे एचआईवी हुआ था। सुनना, एचआईवी तो मेरा था, तू क्यों बोल रहा है? एचआईवी मुझे हुआ था मिस, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तुम लोगों को ये आइडिया किसने दिया? अगर नहीं बताओगे ना तो मार पड़ेगी। अरे आज तो मैं गया। ओ ऋतिक, सब लोग बैठ जाओ। ऋतिक हाथ आगे करो, वो वाला भी। ये वाला। फिर से ये हाथ। ये वहां क्यों मंडरा रहा है? मुझे शक है कि ये कोई सुपरमैन नहीं है, कोई अवारा मैन है। साइलेंस, ऋतिक बैठो। होमवर्क कल तक खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो सजा मिलेगी। बस भी तुम चलो। अगर किसी ने भी होमवर्क नहीं किया तो मेरे हाथ से मार खाओगे। जा ठीक है, देखो तो आई बड़ी कितना कर दिया। चलो मैं तो जा रही हूं। बोलो। मैं बोल रही हूँ, बारिश हो गई है, हम बस निकलने ही वाले हैं। हाँ ठीक है, आराम से आना। ए, क्या घूर रहा है बे? चल चल हमारे साथ चल। ए, चल कहाँ से क्यों घुसा है? चल चल अरे चल चुप चाप कहाँ चल चल अरे होशियारी चल होशियारी मत दिखा चल 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 मेरी बात तो सुनिए। अरे कुछ नहीं सुना मैं, चल सीधे से चल चल ना मुझे बिठाई से गाड़ी में सुनिए। अंदर जल्दी बैठ। ये क्या, ये बच्चे इतना सीरियस क्यों है? लगता है इनके परेशानी के साथ मैं भी जुड़ गया हूँ। बैंड बजने वाला है मेरा। ऐसे क्यों हुआ? क्या हुआ सुपरमैन? किसी ने झूठ कहा तुम लोगों में से, मेरा पावर घट गया। झूठ बोलने से पावर घट जाती है क्या सुपरमैन? अच्छा ऐसे कैसे घट जाती है? अरे सुपरमैन का स्टाइल है ये, तुम आओ सुपरमैन। लगता है मुझे तेरा पैर पकड़कर आशीर्वाद लेना चाहिए। ये कौन है रे? इसे 17 लाख रुपए का कर्जा लिया है भाई, अब ब्याज भी नहीं चुका रहा ये। ये जब कर्ज लेने आया था तो कितना गरीब लग रहा था, है ना? हाँ भाई।
कलर लगाता है? जी सर। उम्र बहुत मेंटेन कर रहा है। नई कार, क्या नाम है इसका? होंडा अकॉर्ड। होंडा अकॉर्ड, होंडा अकॉर्ड। वो सब छोड़, इसकी कीमत 20 लाख सर। 20 लाख? अरे इसकी तो 20 लाख। कर्जा देने वाले हम सेकेंड हैंड एम्बेसडर कार में घूम रहे हैं, और कर्जा लेने वाला ये इस होंडा में। इसकी कार की कीमत 5 लाख करके, बाकी के पैसों का हिसाब लगाकर 10 खत करवा लो। हम इस पुरानी कार को किलो के हिसाब से खरीदेंगे। सर नई कार है सर, कुछ हफ्ते पहले ही खरीदी थी। अगर ऐसी बात है तो अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर जा, इसे कल ले जाना। सर सर ऐसा मत करिए सर। हाँ यार तू भी, कुछ हफ्ते पुरानी कार तेरे लिए अभी नहीं है, तो फिर एक रात में तेरी बेटी पुरानी नहीं हो जाएगी, नहीं रहेगी। हे शिवा देख ले इसे। आप जहाँ कहेंगे वहाँ दस्तखत करेंगे, बस हमें छोड़ दीजिए। अरे यार बहुत अच्छी औरत है, इनसे दस्तखत करवा लो। जनाब मेरा दोस्त भाग गया है। क्या बोला? कितने फक्र से कह रहा है तेरा दोस्त भाग गया? उसको हमने 15 लाख बतौर कर्ज दिए थे, तूने ही तो उसका गारंटर बनकर साइन किया था ना। जनाब हमें 1 हफ्ता का वक्त दे दीजिए, किसी भी हाल में उसे ले आएंगे। 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते ले लो, लेकिन उसको नहीं हमारे पैसों को हमारे पास लेकर। जनाब इतने पैसे कहां से? दस्तखत कर दिया ना, तो काट डाल। वो नहीं यार, उंगली काट, मोटी वाली उंगली काट। क्या हुआ? ये सब यहां पर आम बात है, उसके साथ जो भी हुआ कोशिश करना तेरे साथ ना हो। अब यहां से जा और पैसे लेकर आ। एक लंबे इंतजार के बाद सही वक्त मिला है बेटा गणेश, इस मौके को मत गवा, बात कर ले। मैं तुम्हें कल से देख रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, क्या परेशानी है? वो बात ऐसी है कि मैं 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। 2 सालों से? I love you। मुझ में ऐसा क्या पसंद आया? तुम्हारे चलने का तरीका, तुम्हारी ये मुस्कान, तुम बेहद खूबसूरत हो। ओह शुक्रिया, आपको मुझ में ये सब पसंद है, तो मुझे भी आप में कुछ पसंद आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जरा चल कर दिखाओ। बस सिर्फ एक बार ना, चल के दिखाता हूँ। कैसा लगा? ठीक से चलना भी नहीं आता और इश्क लड़ाने चले हो। नाम क्या है? अप्पा राव। देखो अप्पा राव, मोहब्बत करने वालों में हिम्मत होनी चाहिए, उनमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, कम से कम उनका नाम तो अच्छा होना चाहिए। इतना काफी है या और बताऊं? शुक्रिया जी, मैं समझ गया, ये भूल लाया था, इसे तो रख लो। मेरे आसपास भी नजर आए ना तो वही गोली मार दूंगी, चल कर। तुम्हारी बदनसीबी है। दो साल के फॉलोअर को इसने अभी नोटिस किया है, तो मुझे ये नोटिस कब करेगी और मुझसे मोहब्बत कब करेगी? और अर्चना की शादी कब होगी? उस राकेश को कन्विंस करना ठीक रहेगा, इस लड़की से भी ज्यादा, वही करता हूँ। What do you want, sir? 3 pieces black currant. क्या हुआ? अरे तुम्हें मिला तो यही मिला क्या? इसके सिवा कोई और नहीं मिला? नाक हाथ पांव सब अलग अलग है, जैसे कि किसी मशीन के स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना। अर्चना पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए जो भी रिश्ता लाएंगे शादी उससे ही करो। ओके, ये लोग जुदा होने वाले नहीं है। हेलो, हाँ बोलो। नहीं नहीं मैं नहीं भूली। राकेश तुझे लगता नहीं तेरा टेस्ट कुछ अजीब है? क्यों, तुझे केक पसंद नहीं? अबे केक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी कर रहा हूँ। जरा उसका चेहरा तो देखना, कितनी कमियां हैं उसमें। हाँ मिल
ले आऊंगी। इससे अच्छी तो तेरी फूफी की लड़की है, कमाल की है। मैं तो कहता हूँ इससे केक कटा ले और उससे शादी कर ले। क्या हुआ, जिस काम के लिए गए थे वो नहीं हुआ? अरे नहीं, मेरा मिशन कभी फेल नहीं होता। नो वे, बस यूं ही मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था। गुड गुड, तुम दोनों पास हो गए हो, मैं ही फेल हो गया। अरे गणेश बेटा, अगर तुझे पास होना है ना तो इन दोनों का धीरे धीरे इम्तिहान ले ले। असल में लड़कियों को पटाना बहुत आसान है यार, बस 24 घंटे उनके पीछे पड़े रहो, वो ऑटोमेटिक फंस जाएंगी। उन्हें सीरियस नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो तुम्हें सीरियस लेगी। इस पर तो बहुत सारी किताबें हैं भाई, इन किताबों को पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। प्यार करने के लिए दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, खुद की एक अलग पहचान बनानी चाहिए। तो मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। बस दो चिप्स के पैकेट गिरे, इसके लिए मुआफी की उम्मीद मत रखना। हाय, आप कौन? मैं गणेश का फ्रेंड हूँ। गणेश कौन? आप अपनी मोहब्बत से बोल रही हैं कि वो कौन है? हेलो, आप उनसे बात करने के लिए बोल रहे हो ना? हुँ? आप दिव्या हो ना? हाँ हूँ। एक्सप्रेस टावर्स 8th फ्लोर 801। लो कर लो बात, गणेश को नहीं जानती हो? गणेश आपकी बगल वाले 802 फ्लैट में रहता है, वो आपसे मोहब्बत करता है और आप भी उससे दिल से प्यार करती हो। 2 साल से आप दोनों का चक्कर चल रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं किसी गणेश वणेश को नहीं जानती, समझे? अरे कमाल है। अच्छा सुनिए, वो 802 में जो रहता है ना उसे वार्निंग दे दीजिए, पता नहीं और कितनों से कहा होगा। ओके, मैं देख लूंगी, आप जाइए। अच्छा सुनिए, ट्रिकली बोलना है उससे। दिल को छुआ है। कौन है ये कमीना? किसी भी हालत में हो खूबसूरत लगती हो गणेश 802। आ रहा हूं। अरे रुको यार, तुम यहां क्यों आए? ठीक है, वो कहां है? वो कौन? तुम्हारा दोस्त गणेश। वो ऑफिस चला गया। कौन सा ऑफिस? वो अच्छा ठीक है, चलो दिखाओ वो कौन है। लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है। लेकिन मेरे पास स्कूटी है। अरे बाप रे, आज तो बुरा फंस गया तू बेटा। हेलो, अरे रखो, यहाँ मेरी जान जा रही है। यहाँ गणेश कौन है? आप कौन हो? ये गणेश की माशुका। वैसे तुम कौन हो? हम गणेश के दोस्त हैं, हम एक साथ लंच भी करते थे ना। ओ, वो आप हो? हे गाइस, लिसन प्लीज। ये गणेश का दोस्त है और ये गणेश की माशुका है। माशुका मतलब दिव्या ही है ना? सुना ना, अब हो गया ना यकीन, उसने ऑफिस में भी फैला दिया है। आओ उसका सिस्टम दिखाता हूँ। वो भी कहाँ है? पिज़्ज़ा कॉर्नर। हाँ, पिज़्ज़ा कॉर्नर राइट। चलो मेरे साथ। आपने ऐसा क्यों किया? एम्बुलेंस में जाने वाला किसी ना किसी तकलीफ में होता है, तो वो जल्दी ठीक हो जाए, बस यही दुआ की है। चलो वहां बैठे। हाँ। हाँ।
आप क्या लेना चाहेंगी? मुझे गणेश चाहिए। गणेश 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 गणेश, अरे यार यहाँ तो ये आइटम ही नहीं है। हेलो, मुझे आपका दोस्त गणेश चाहिए। अच्छा गणेश, मुझे लगता है कि अभी तक वो यहाँ पर आया नहीं है, तब तक ऑर्डर करें। 2 आयरिश प्लेन। ओके मैम। आप 2 पीना चाहती हैं? एक तुम्हारे लिए। मतलब हमें वो पसंद नहीं है। 1। ओके ओके, जब ये कह रही है तो 2 लाना। हम क्लियर बताइए सर, 1 या 2? 1/2। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, ख्वाब रंगीन होते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं? क्या? अरे अरे आप तो सीरियस हो गई। एक्सक्यूज मी, या ख्वाब रंगीन होते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं? व्हाट आई मीन ड्रीम्स। आई थिंक कलर। हाय गणेश, कैसा है भाई तू? अच्छा हूँ यार। ये वाला गणेश नहीं है वो? एक मिनट उसे फोन करता हूँ। रिंग हो रही है। अरे ये गणेश अब तक नहीं आया क्या? वो फिल्म देखने गया है? फिल्म वो कौन से थिएटर में? अब चलें? टिकट्स क्यों ली? ये हमारा थिएटर नहीं है जो मुझे फ्री में अंदर जाने को मिले। ओ गणेश! ए, ये क्या कर रहे हैं? गणेश को ढूंढ रहा हूँ। लोग डर रहे हैं। क्या हुआ? अगर आप बुरा ना मानो तो प्लीज एक बार सीटी मार सकते हैं। आपको भी बजानी है? ओके यहाँ देखो। उंगली को ऐसे रखो। सही जा रही हो, सही जा रही हो, फिर से करो। किसकी तलाश है? गणेश जी, उसके लिए तो यहाँ आए हैं ना। फिल्म की वजह से मैं भूल ही गई कि हम यहाँ क्यों आए थे। आपको किसकी तलाश है? गणेश की। वो कैसा दिखता है आप जानती हो क्या? पगली कहीं की। पागल हूँ मैं। सुनिए, मेरे साथ लिफ्ट में आइए ना। हाँ? 8th फ्लोर का सवाल है। मैं सोच रही थी ख्वाब रंगीन होते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। जब आप ख्वाब में आओगी तो देखकर बता देंगे। क्या मतलब? जब आप गणेश के सपने में आओगी तो उससे पूछ के बता देंगे। शी, उसका नाम तो लो ही मत। वैसे आप इतने अच्छे इंसान हैं और उसके दोस्त कैसे? देखिए प्लीज, आप ऐसे मत बोलिए। आप गणेश के बारे में जानती नहीं है। गणेश इज अ ग्रेट गाय, बहुत ही इंटेलिजेंट है। हमारी इंटेलिजेंस सिर्फ 1% है। आपको मजाक लग रहा है, हम सिर्फ 1% है और इसी में खुश रहते हैं। मतलब आप ख्वाब में गणेश को गलत मत समझ बैठना। हाँ ठीक है, बाय बाय। गणेश बाबू, सुबह से 4 बार तुम्हारे फ्लैट के चक्कर लगा चुकी हूँ। ये लो तुम्हारे कपड़े। अरे रुको, मेरे 60 रुपए तो दो। छुट्टे नहीं है क्या? छुट्टे रहने दो और निकलो यहाँ से।
हाय आंटी, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ बेटा? बाय आंटी। ऊपर वाले बचाने ना। हाय। गणेश का दोस्त बनकर ही रहना। गणेश बनने की कोशिश की ना तो चीर डालूंगी। चीरने वाले लफ्ज लड़कियों के जुबान पे अच्छे नहीं लगते। नहीं अच्छे लगते हैं। मार डालूंगी, बचकर रहना। अब कोई फायदा नहीं, नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। वहाँ देखो। अब तो तू मानता है ना ये सुपरमैन है? ऐसी क्या बात है इसमें जो मैं इसे सुपरमैन मानूं? शक्ल देखिए इसकी। सुपरमैन? ओके ओके। अरे दिव्या, दिव्या के नाम से इतना डरता क्यों है तू? वो क्या है सुपरमैन, फ्लैट में रहने वाले हमसे डरते हैं, लेकिन हम लोग दिव्या मैम से डरते हैं। उन्हें कंट्रोल करने का कोई आइडिया सोचो ना प्लीज, जल्दी सोचो। एक रास्ता है मेरे पास। कौन सा रास्ता? दिव्या को किसी से मोहब्बत हो जानी चाहिए, या दिव्या से कोई मोहब्बत कर ले। उससे क्या होगा? तब उसके पास वक्त ही नहीं होगा, तो तुम लोगों को कुछ नहीं करेगी वो। तो फिर आप ही उससे मोहब्बत करो ना सुपरमैन। क्या मैं? हाँ। नहीं, 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 मुझे प्लीज इसमें मत घसीटो, मैं बहुत ही खुश हूँ। ए, अपने पापा को मोहब्बत करने के लिए बोलो। पर मेरी मम्मी को तकलीफ होगी ना। हाँ, सिर्फ तेरी ही नहीं, सबकी मम्मी को प्रॉब्लम होने वाली है। ओके ओके, जब आप लोगों को उससे तकलीफ है तो मैं उससे प्यार करूंगा। अब रहने दो सुपरमैन, वो एक चुड़ैल है। कोई बात नहीं यार, तुम लोगों के लिए सब, तुम बच्चों के लिए मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है ना? ठीक है। जब से ये गणेश आया है तब से हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। वो किससे पूछकर हमारे बच्चों को लेकर गया था? अगर किसी को कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग? ऐसे खामोश रहने से क्या होने वाला है? अगर तूफान की वजह से तुम सब भगवान को प्यारे हो गए तो। सही कहा, तूफान से डरकर हम अपना मकान छोड़ के नहीं जा सकते। ए, तुम चुपचाप बैठो। सब इसकी वजह से हुआ है। देखा गणेश, तुम्हारे खिलाफ कितनी शिकायतें हैं? एक हफ्ते में तुम फ्लैट खाली कर दो बस, यही एसोसिएशन का फैसला है। सुपरमैन को धमकी देने वाले वो होते कौन हैं? अब ये किस तरह की एसोसिएशन हो गई? उसमें हमें कोई मेंबरशिप मिली है क्या? उन लोगों ने हमारी बात तक नहीं सुनी। हाँ, अब हम बच्चा पार्टी मिलकर एक एसोसिएशन बनाएंगे। मेरे पापा प्रेसिडेंट है तो मैं भी प्रेसिडेंट बनूंगा। मेरे पापा सेक्रेटरी है तो मैं भी सेक्रेटरी हूँ। मेरी मम्मी ट्रेजरर है तो मैं भी ट्रेजरर। सुपरमैन यही रहेगा और उसके लिए हम ऐलान जंग करते हैं। ओके ओके, ओके। खबरदार, गणेश को लेकर एसोसिएशन ने अगर अपना फैसला नहीं बदला तो बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। ये बच्चों की तरफ से ऐलान जंग है। शुरू हो गए बढ़िया जंग करने वाले, इन लोगों को तो मैं देख लूंगा। खामोश हो जाइए, मुझे पता है पानी नहीं आ रहा है, मुझे भी जोर से लगी है इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देखिए शाम को आकर इसका। खबरदार, हमारी मांग पूरी ना होने की वजह से हम अगला कदम उठाने की तैयारी में हैं। पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। बच्चे रोज रोज बिगड़ते जा रहे हैं, तब कैसे थे अब कैसे हो गए हैं? इनको तो बच्चा भी नहीं कहा जाता, हमेशा परेशान करते हैं। क्या करूं इनका समझ में नहीं आ रहा। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गणेश को यहाँ रहने दीजिए, फिर वो कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही चलता रहा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे क्या बिगड़ेंगे,
गणेश के कारण इनका मन खेलकूद में लगा है। इस उम्र में खेलकूद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मेरे पोते को ही देख लीजिए, वो तब भी पढ़ाई में अच्छा था और आज भी अच्छा है। मेरा बच्चा भी अच्छी पढ़ाई कर रहा है। मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है। तो फिर हमें गणेश को क्यों निकालना? हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमारे बच्चे फिर से बाहर गए तो उस दिन हम कितनी टेंशन में आ गए थे। हम बस यही चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। देखो बच्चो, वादा करो कि बिना बताए घर के बाहर कभी नहीं जाओगे, तो ही गणेश यहाँ रहेगा, ठीक है? ओ, तुम लोगो, गुड मॉर्निंग। आओ तो सही, रास्ते से हटिए, हटिए ना। ओ मेरी बच्ची, रुक जाओ, नहीं तो गिर जाओगी। अरे ये क्या हो गया? आरुषि ने दरवाजा बंद कर लिया है, अब उसे खोलने नहीं हो रहा है, कड़ी टूट गई है। ए, किसी ने फायर सर्विस को फोन किया क्या? फायर सर्विस को? वो क्यों? तुम हो ना, यहाँ ही से जाओ और यहीं से आ जाओ। क्या कहा? ऐसे जाकर ऐसे ही आ जाऊं? हाँ चलो आ जाओ, कूदने के लिए थोड़ा डिस्टेंस चाहिए ना। मतलब? मतलब तुम यहाँ से कूद कर वहाँ चले जाओ। क्या हुआ? हाँ और क्या होगा, ताकत कम हो गई होगी। ये ट्रायल था, अब रियल करूंगा। पागल बच्ची, इसके लिए कोई रोता है क्या? ये देखो, ऐसे खोलते हैं और ऐसे बंद करते हैं, बस इतना ही। मुझे खोलना आता है सुपरमैन। आप सुपरमैन हो या नहीं ये टेस्ट करने के लिए उस मोटू ने मुझे एक्ट करने के लिए कहा था। अब तो तुम मानते हो ना कि मैं सुपरमैन हूँ? 8 मीटर कूद कर बड़े हीरो बन रहे हो, ओलंपिक्स में इससे ज्यादा कूदा जाता है, तो क्या वो सुपरमैन है? अबे हाथी मेरा, टेस्ट क्यों लिया, टेस्ट क्यों लिया, हाँ क्यों लिया तुमने, टेस्ट क्यों लिया? बोल। गणेश को कूदने के लिए किसने मजबूर किया? नहीं बताया तो सबकी खाल उधेड़ दूंगी। इन लोगों के बोलने से पहले ही मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। तुम, वो नीचे गिर जाता तो क्या होता? इन्हें उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? यहाँ आओ, हाथ दिखाओ। छोड़ो, अगर मैं पढ़ाई न करूं तो मुझे मारिए, पर मेरे निजी मामलों में दखल मत दीजिए। मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं दूंगी, जाओ। पता था, चलो सब चलो। ये हम सबका फैसला है। तुम लोगों को ट्यूशन दो, इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं। हम सवाल नहीं पूछेंगे, डरो मत सुपरमैन। एक हाथ में बुक पकड़ लो, एक हाथ में छड़ी, और बस घूमते रहो, बस हो गई ट्यूशन। बस इतना ही करना है। वो दिव्या तो एक सिर दर्द है, जब वो कर सकती है तो तुम क्यों नहीं? क्या कहा? मैं सिर दर्द हूँ? मेरे ट्यूशन की वजह से ही तुम लोगों का रैंक आता है, समझे? क्या है ये, मैं क्या लगा रखा है? क्या तुम हमारा एग्जाम लिखती हो? ए, तुम अपना मुंह बंद रखो। हर सब्जेक्ट में फेल होते थे, अभी 40% आया सिर्फ मेरी वजह से। आपके ट्यूशन में 40% आए हैं, गणेश ट्यूशन देंगे तो 70 आएंगे। इसके 70%, पहले पास तो होने दो फिर बोलना। अगर 70% लाया तो? लाने दो, फिर देखते हैं। तो लगाए शर्त? लगा सकते हैं। इसे 70% आएगा तो आई लव यू बोलना पड़ेगा। आई लव यू तुम्हें? मुझे नहीं, उसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले मार्क्स लाने दो फिर देखते हैं। सुन, तुझे किसी भी तरह 70% लाना ही होगा। क्यों मजाक कर रही हो? मुझे ही नहीं पता है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, माफ करना। हमने इस पर भरोसा करके शर्त लगाई है। मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, मुझ पे भरोसा करने के लिए किसने कहा? मैं नहीं कर सकता, सुपरमैन है ना, क्यों नहीं कर सकता?
मैं 70% ला सकता हूँ क्या सुपरमैन? तेरे लिए या मेरे लिए, मेरे लिए या तेरे लिए, तेरे लिए या मेरे लिए, मेरे लिए या तेरे लिए, तेरे लिए या मेरे लिए, मेरे लिए या तेरे लिए, तेरे लिए या मेरे लिए, मेरे लिए या तेरे लिए, तेरे लिए या मेरे लिए, मेरे लिए या तेरे लिए, तेरे लिए या मेरे लिए, तो कुछ ना कुछ तो जरूर ला सकता है। क्या हुआ? लगता है मैं ला सकता हूँ। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप, टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड। हे भाई 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 भाई, प्लीज यार ये लास्ट लाइन तो दोहरा देना तू, प्लीज यार, प्लीज प्लीज। वन लिटिल हेड गो साइड टू साइड। थ्री फाइव जा 15, थ्री फाइव जा 15, थ्री सिक्स जा 18, थ्री सिक्स जा 18, थ्री सेवन जा 21, थ्री सेवन जा। सुपरमैन मुझे एक डाउट है। अबे तेरे मुंह में दही शक्कर, जब डाउट होता है तो पढ़ाई अच्छी होती है। हाँ बोल बोल बोल। मुझे 70% दिलाने के लिए सब कर रहे हो या फिर दिव्या को पटाने के लिए सब कर रहे हो? अबे तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, बस तू पढ़ाई पर ध्यान दे। 3 in the mind and counting 3 fingers, 4, 5, 6. Good, लिख। बेटा। हाँ। रात के 12 बज रहे हैं, पढ़ाई कल कर लेना, आप चल के सो जाओ। माँ मेरी इज्जत का सवाल है और आपको नींद की पड़ी है, आप जाके सो जाइए। गुड, चल नेक्स्ट। तुझे भरोसा तो है ना, लिख सकता है ना तू? गुड, चल जा। सुमति, नानी, साई किरण, ये मुझे ये क्या पहना दिया यार? दिव्या हमें ऐसे देखकर डरती है ना, इसलिए ये लिबास पहनाया है। क्या बात है, शेर हंसता भी है? सुपरमैन शेर हंसता नहीं, दहाड़ता है। क्या हुआ? मुझे 70% नहीं आए। मैंने तो पहले कहा था कि नहीं आएंगे। बड़ी ज्योतिष हो ना, ये देखो 72% आया है। हम शर्त जीत गए, अब आई लव यू बोलो, 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 तुम शेर हो, भूलो मत। मैं जानवरों को आई लव यू नहीं बोलती, वैसे भी शेर को अकेले आना चाहिए। तुम उसे आई लव यू बोलने वाली हो क्या? नहीं यार, लेकिन हाँ नानी के 72% आ गए। वो ठीक है, अब तू जा। क्या? अरे तू जा। वही है क्या? जाना। अच्छा ही तो दिखता है, थोड़ी सी बातचीत कर लो क्या? जाना। ठीक है। हाय, मैं दिव्या की फ्रेंड हूँ। तुम गणेश के फ्रेंड हो ना? ओ दीपा ना, हाय। हाय, मेरा हाथ छोड़ो, उसका हाथ पकड़ो। अरे तुम इतना गुस्से से मत देखो यार, मैं तुमसे आई लव यू सुनने नहीं आया हूँ। उन बच्चों ने तुम्हें तंग किया ना, इसलिए सॉरी कहने के लिए आया हूँ। वन स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। आपके साथ आइसक्रीम खा सकता हूँ? Eeks.
एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू। आई लव यू। नाटक कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये सच्ची मोहब्बत है, सच में। तो जोर से बोलो ना। आई लव यू। आई लव यू। आहा। आई लव यू। आई लव यू। चलो मेरे साथ। तुम उन्हें खत्म नहीं कर सकते हो। अगर एक सीताराम की मौत होती है तो लाखों सीताराम पैदा हो जाते हैं, और उनमें से हर एक महान क्रांतिकारी होंगे, और वो पूरे साम्राज्य पे राज करेंगे। सीताराम जी कोई मानव नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। उनके बताए रास्ते पे हमें चलना चाहिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। ए, तेरी बुआ की बेटी पट चुकी है। सच में? वक्त आ गया है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हफ्ता भर रुकना बहुत मुश्किल है यार, कुछ ना कुछ तो कर ले प्लीज यार, थोड़ा मैनेज कर लो, हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। तेरे चक्कर में मैं खाई में गिर जाऊंगा, फोन रख। ये जेंट्स टॉयलेट है। जानती हूँ, इसलिए अंदर नहीं आई। बड़ी अकलमंद हो। ए, कल रात तुम्हारा कितनी देर तक मैंने टेरेस पर इंतजार किया था, तुम आए क्यों नहीं? टेरेस पर मुझे तो बताया ही नहीं। शारा समझकर तो वॉचमैन भी आ जाएगा, मोहब्बत में कुछ ना कहने पर भी समझ जाना चाहिए। अच्छा तो क्या हुआ? बेशरम लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। है? क्या कहा, बेशरम लोग? ओके ओके। तुम तो कह रही थी कि मोहब्बत इतने जोरों शोरों से करो कि सबको पता चले, तो अपने भैया से क्यों डर गई? क्योंकि बचपन में माँ ने दादाजी से वादा किया था कि मेरी शादी राकेश से करवाएंगी। अच्छा तो मुझे धोखा दोगी क्या? अरे मजाक कर रहा था, बोलो बोलो। मेरे दादाजी के गुजरने के बाद माँ और मामा जी के बीच में अनबन शुरू हो गई। 10 सालों से दोनों खानदान के बीच में कोई बातचीत ही नहीं है। अगर ऐसे में उन्हें पता चल गया कि मुझे किसी से मोहब्बत है, तो दादाजी से जो वादा किया था उसके मुताबिक मेरी माँ मामा जी के पास चली जाएंगी। इसीलिए एक बात कहूँ क्या? उस राकेश की शादी हो जाने तक तुम्हारे घर पर हमारी मोहब्बत के बारे में पता न चले, बस यही ना। इतनी जल्दी कैसे समझ गए? वो बस तुम्हें देखकर। बहुत ही होशियार हो, है ना? चलो। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत बढ़िया किया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो हमने किसी भी अच्छे आर्टिस्ट ने समाज इतना कर दिया। सच में बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। आगे चलो चलो। क्या हो गया? चलो 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 च
तुम ठीक तो हो ना विष्णु? उठ जा, उठ जा। कहाँ भागेगा? रुक, रुक रहा है, रुक, रुक। थोड़े जल्दी की है। हाय, चिंता रुक, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, नहीं, मारना मत, नहीं, कोई बचाओ मुझे। तेरे इन हाथों को नहीं मालूम है कि उधार लिए हुए पैसे वापस करना होता है, तो फिर इन हाथों का होना नहीं जरूरी नहीं है। नहीं, छोड़ दो मुझे, होने ही नहीं चाहिए। मत मारो मुझे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे गणेश, कॉफी पियोगे क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ आंटी, वैसे बच्चे कहाँ हैं? वो शायद टेरेस पर खेल रहे हैं। ठीक है। दिव्या, एक जरूरी बात करनी है तुमसे, बहुत सीरियस बात है। गणेश का पीछा छोड़ दो दिव्या। क्यों? जो कह रहे हैं वो सुनो, गणेश से प्यार करके अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। चल जा मोटू, हट। अरे तो कमाल है, ये बिना कहे ऐसी चीज़ नहीं मान रही। तुम सुपरमैन हो? बताओ सुपरमैन हो तुम? क्यों, क्या हुआ? जब हमारे दोस्त के पापा को मार रहे थे तब तुम बस देख रहे थे। अरे तो इसमें क्या हुआ, तुम्हारे पापा भी तो देख रहे थे। हाँ मेरे पापा देख रहे थे, इसके पापा देख रहे थे, इसके पापा देख रहे थे, क्योंकि वो लोग आम इंसान हैं। पर तुम सुपरमैन होके वहाँ क्या कर रहे थे? तुम हमें पसंद नहीं, मकान खाली कर दो। और एक हफ्ता राकेश के प्रॉब्लम सॉल्व होने दे। हेलो कौन? ए, मैं दिव्या, नीचे इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आओ। इसका भी जवाब नहीं, आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं हम? पहले ये बताओ कि बाइक की टैंक तो फुल है ना? हाँ, फुल है। क्या दिव्या बेटी, अरे सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। हाँ अरे आओ, आओ ना। अरे कहाँ ले जा रही हो? बताती हूँ ना। ओम भूर्भुवस्वात् सत्पूर्वणियम भर्गो। कौन है ये? देवो दिव्या बड़ी माँ, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। तुम्हारा बर्थडे? हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। आहा, ऐसे नहीं, जोर से कहो। जिस दिन तुमने दिव्या से आई लव यू कहा था ना, उसी दिन इसने मुझे सब बता दिया था। तुम्हारे लिए खीर बनाई है, जाओ लेकर आओ। आओ बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो गणेश, तुम्हें दिव्या जैसी लड़की मिली है। मैंने 33 साल तक एक नर्स के तौर पर काम किया और मेरी सर्विस के दौरान मैंने 3,160 डिलीवरी केसेस देखे हैं। मेरे ये हाथों बाहर आए हैं, अब वो कहाँ हैं, क्या करते हैं, किस हाल में हैं, मैं नहीं जानती। उनमें से एक ये है, लेकिन दिव्या इन सबसे अलग है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तभी समझ गई थी कि ये बिल्कुल अलग है, इसमें एक अजीब सा आकर्षण है। तुमने देखा ना, ये आज भी अपने जन्मदिन पर मुझसे मिलने यहाँ आ जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात मुझे बताती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा ख्याल भी रखती है। मुझे समझ में नहीं आता उसे बेटी कहूँ या फिर अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त, नहीं पता। कभी हंसती है, कभी खिलखिलाती है, कभी गुस्सा करती है, लेकिन उसका दिल आईने की तरह साफ है और वो तुमसे मोहब्बत करती है। अब इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए बताओ? इसीलिए तुम बड़ी किस्मत वाले हो, बैठो। हाँ।
कैसी बनी है? लाजवाब। मैं ले जाती हूँ, दीजिए मुझे। थैंक्स आंटी, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो दिव्या को पूरी तरह समझ नहीं पाता था। आपने सही कहा, सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। लो बेटा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। I love you। ठीक है, हम आते हैं आंटी। बड़ी माँ, गणेश कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ठीक है बड़ी माँ, आती हूँ। बाय बेटा। बाय। अच्छा सुनो, तुम्हारा जन्मदिन कब है? ये तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं कब और कहां पर पैदा हुआ था। ऐसे ही सड़कों पर चलते चलते एक आदमी ने मुझसे कहा था कि चलोगे मेरे साथ तो मैं तुम्हें कपड़े, खाना और अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा। तो मुझे वो ऑफर बहुत अच्छा लगा और मैं उनके साथ चल दिया। फिर एक बार जब स्कूल में मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछी गई तो मुंह से निकल गया कि अगस्त 17 मेरी बर्थ डेट। अगस्त 17? बस 10 रोज ही बाकी हैं। ज्यादा खुश मत हो, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट, जन्मदिन तो जन्मदिन होता है। इस साल धूमधाम से मनाएंगे। वो कैसे? कैसे मतलब? हाँ, 16 की रात को 11:30 बजे नहा धोकर, नए कपड़े पहनकर, तैयार होकर। ओए, बर्थडे मेरा या तुम्हारा? नए कपड़े तुम क्यों पहनोगी? सुनो तो, तुम भी 11:30 बजे जल्दी से नहा धोकर, नए कपड़े पहनकर। हाँ, केक तो हम पहले से ही मंगा लेंगे। एक्स्ट्रा क्रीम होनी चाहिए ना? क्या एक्स्ट्रा क्रीम, वो क्यों? बताती हूँ। उस केक को लेकर हम टेरेस पर जाएंगे, वाटर टैंक पर बैठकर ऊपर देखेंगे खुले आसमान के तारों को, फिर नीचे देखेंगे सिटी की लाइट्स दिखेंगी सितारों जैसी। फिर रात के 12 बजे हम वो केक काटेंगे। पहले तुम मुझे खिलाओगे, फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगी, और जब क्रीम मेरे यहाँ लग जाएगी तब मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगी, तुम मेरी आंखों में देखना, और फिर उसी तरह मैं तुम्हें किस करने लगूंगी, तुम दाई तरफ देखना। वो क्यों? घूमना ना। ओके। फिर मैं जब दाईं तरफ आऊंगी तुम बाईं तरफ घूम जाना, फिर बाईं तरफ आऊंगी तो ऐसे ही दाएं और बाएं करते करते अचानक तुम्हारा चेहरा पकड़ लूंगी, जोर से किस कर लूंगी। वही होगा मेरा बर्थडे गिफ्ट, हमारा पहला किस। सच में वो मेरा पहला किस होगा? ए, मेरा भी पहला किस होगा। हेलो, तुमने अपनी माँ को किस किया ना, और अपने भैया और वासमी को, और बदले में उन लोगों ने भी किया ना। जानती हो, मेरे पैदा होने पर ना मुझे किसी ने किस किया ना मैंने किसी को। मेरा डुप्लीकेट बर्थडे क्यों ना हो पर मेरी पहली किस वही होगी। प्लीज गणेश, प्लीज गणेश। आज मैं बहुत खुश हूँ गणेश, जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे ना?
आपको किससे मिलना है? गणेश से मिलना है। आओ। तुम भी ना पागल। अरे प्लीज शुक्रिया। यस दिव्या, दिव्या नो, दिव्या, दिव्या नो, 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 दिव्या, फर्स्ट किस बर्थडे पे देना? उसे सेकंड किस समझ लेना ना। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, समझे? बाय बाय। तो ये रहा बॉल और वो रहा बास्केट और वो हे, तुम यहां कैसे? बाप रे, अब जाके तुम्हें देख रही हूँ। पिछले एक घंटे से तुम्हारा पीछा कर रही थी। ओ, तो फिर देख लिया मुझे? हाँ हाँ, अच्छे से देख लिया। तुम पर उसका हाथ रखना, हक करना, कान में फुसफुसाना और तुम्हारा हंसना सब देखा मैंने। कैच। अच्छा, शहर की लड़कियाँ सच्चे प्यार पर एतबार नहीं करती और वो तुम्हारे नाटक वाले प्यार में फंस गई? या तो तुम बहुत समझदार हो या फिर वो बहुत बेवकूफ है। अर्चना, जैसा तुम सोच रही। हे दिव्या, ये जो कुछ भी कह रही है एक्चुअली वो उससे प्यार का नाटक किया तुमने। अरे बात वो नहीं है दिव्या। उससे नाटक किया? दिव्या, कम ऑन शूट। दिव्या, हाँ हाँ दिव्या। पास करो। हे, हाँ पास करो। देख वो आ गया। हाँ जानती हूँ। एक बार पूछ तो ले कि उसने ये नाटक क्यों किया। क्यों पूछो? गलती करने वाले के पास कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। नहीं सुनता मुझे, और वैसे भी मुझे उसे देखने का भी मन नहीं कर रहा। स्पीड कम है तुम्हारी। ये पास पास पास। मुझे लाओ लाओ लाओ। हाय हाय, क्या हुआ यार? हाँ, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती है। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम मुझसे सच में प्यार करते हो और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। असल में पापा आ रहे हैं इसी टेंशन में। अच्छा सुनो, मैं खुद जाकर उसे मनाने की कोशिश करूं? क्या कहोगी तुम? यही कि ये सब तुमने हमारे लिए किया। हे, ऐसा खतरा मोल लेना ठीक नहीं है, नहीं तो मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। हे, मुंह लटकाना छोड़ दे अभी। जब वो मेरे नाटक में प्यार देख सकती है तो मेरे सच्चे प्यार को नहीं देख पाएगी। लेकिन दिव्या को कन्विंस करने के लिए मुझे उसी अपार्टमेंट में ही रहना होगा और वहां रहने के लिए बच्चों को कन्विंस करना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों ने खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, बस यही रास्ता क्लियर करने की सोच रहा हूँ। हे, अभी के अभी चले जाओ। जब वो महादेव मेरे दोस्त के पापा का हाथ काट रहा था तो तुमने नहीं बचाया। बचाने वाला सुपरमैन होता है, तुम नहीं। खाली करोगे या करवाना पड़ेगा? चलो चलते हैं। हाँ, चलो, हाँ, चलो चलो जल्दी। अब बीच में ये महादेव।
महादेव भाई कर्ज देते वक्त वक्त भी देते हैं, तुम्हें दिया था ना? दिया था भाई, दोबारा किसी को वक्त नहीं देते, सीधा काट देते हैं। देखो काली, तुम्हारा भाई दोबारा वक्त नहीं देता, पर हमारा भाई पहली मर्तबा भी नहीं देता। कौन है वो? गर्मी की धूप है, सुनामी का सागर है वो, उसे देखने की ख्वाहिश मत रख, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतनी अकड़ है तो फिर बुला उसको भाई। जिसके एक मुक्के से ही दिन में तारे नजर आ जाएं, वही हूँ मैं यादगिरी। तुम हो क्या? गिरी, यादगिरी, डॉन का डॉन। हे गिरी, तुम अब अलग से बिजनेस कर रहे हो, इसलिए भाई ने तुम्हें छोड़ दिया है। अगर ये बात भाई को पता चल गई ना तो छोड़ेंगे नहीं। ए, चल निकल। क्यों बे, वो कोई बड़ा तोप है क्या? वो मेरे सर के एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। जान दीजिए जनाब, वैसे भी आपके बाल कम है। ओके, हे, मेरे दिए हुए टुकड़े पे जी रहा है वो, और मेरी दी हुई चाय पी है उसने, मेरे दिए पलंग पे सो रहा है वो, और मेरे दिए पैसों से घर चल रहा है उसका। जनाब आप उसके गुलाम थे क्या? नहीं, उसके शेफ थे हम। ए, तू दांत क्यों निकाल रहा है? उसका खाना पकाकर उधार चुकाने वाले खुददार हैं हम। अबे टकले, जाकर कह दे अपने भाई को, आज के बाद अगर वो इधर दिखा या मेरे आदमियों को डराया, आंखें दिखाई या सताया तो गच्च 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 गच्च। बता देना उसे। रुक जाओ, पहले हमें आगे होना चाहिए ना। फॉलो मी। प्रभु हमारी रक्षा करना। हाँ बोल काली। भाई कल उस नवीन के यहाँ कलेक्शन करने गया था तो वह नाटू यादागिरी बीच में आ गया था। ऐसा क्यों? कहाँ है वो? श्रीनगर कॉलोनी के टेंपल के पास। हमारे पास काम करने वाला हमारे रास्ते का कांटा बनता है। हम तेरे बाल भी नहीं उखाड़ सकते क्या? गलती हो गई भाई। हाँ, और इससे पहले क्या कहा था कि हमारी बीवी किसी और के साथ भाग गई? मैंने ऐसा कब कहा भाई? कुकटपली की उस आंटी का हम तीसरे वाले हैं। क्या सच में? क्या सच में जनाब? अब मैं सब समझ गया, जो काली के मन में चल रहा है ना आपको लेकर, वही उसने मेरा नाम। एकदम चुप, नौटंकी मत कर, खामोश रहेगा तो कम पिटाएगा, समझा? समझ गया। अरे तुम लोग जाओ ना। जनाब अगर चाहें तो अपने घर में मुझे कूटिए, पर यहाँ आवाम के सामने मेरी तौहीन होती है। तौहीन होती है? हाँ? और क्या कहा था कि हम ब्यास के लिए लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं? मुंह में जो आएगा वो समझता क्या है? जहाँ भी जाता है हमारा नाम बदनाम करता है। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे बेटा गणेश। अगर यहाँ तुम्हें महादेव की धुलाई कर दी तो सारे बच्चे लाइन पर आ जाएंगे। यही मौका है, चल शुरू हो जाओ। इसकी लगी कभी कम नहीं होगी। सर छोड़ दीजिए ना, ट्रैफिक जाम हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा हाथ पकड़ने की? तू है कौन बे? हमने पूछा तू है कौन? किसने मारा हमें? Huh?
जनाब जनाब जनाब, आपसे मिलकर खुशी हुई। हम गिरी हैं, यादगिरी, डॉन का डॉन। और आप? मेरा नाम गणेश है, सिर्फ गणेश। आपका फैन? हाँ? हमारे फैन? दोस्तों, वो सच में सुपरमैन है यार। हमारे सुपरमैन ने उस महादेव को ऐसे मारा। विशुम सुपरमैन, हे विशुम विशुम विशुम, हे विशुम। दिव्या, हम गणेश को ठीक से समझ ही नहीं पाए। गणेश बहुत अच्छा है, तुम उससे प्यार कर लो। जब हमने मना किया था तो सुना नहीं ना, अब जब कह रहे हैं तो ऐसे क्यों घूर रही हो तुम? तुम लोग जो कहोगे मैं सुन लूंगी, चलो जाओ। ये सब हमारी वजह से हुआ है ना? दिव्या गणेश को प्यार करेगी तो गणेश को अच्छा लगेगा ना? ए, क्या हुआ अगर ये दोनों हमारी वजह से अलग हो गए हैं? अब हम लोग ही इन्हें मिलवाएंगे। ओके ओके। बाय, जूस नहीं चाहिए। जिंदगी में पहली बार हमें किसी ने इस तरह से पीटा कि आज हमें झूठ बोलना पड़ रहा है कि हम बाथरूम में फिसल गए उस यादगिरी की वजह से। मतलब उसका मंसूबा था कि लोगों के सामने पिटवाएगा उसकी इतनी अकड़। हमें इसी वक्त वो यादगिरी चाहिए। ए, कौन है बे तू? क्यों बे, तू आया है भाई को देखने की जिंदा है कि मर गए? ये बात नहीं है, हम अपना जिस्म उधार देने आए हैं, क्योंकि सरेंडर करने से आप सजा कम देते हैं ना जनाब। उनमें से किसी को मारने के लिए कहिए ना। हम लोगों को डराने के लिए मारते हैं, लेकिन जो डरा हुआ है उसे नहीं। आप जैसा सही समझे वैसा कीजिए, लेकिन एक हकीकत की बात बताता हूँ, मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ उसे नहीं जानता। ए, उसने हमें तुम्हारे इलाके में बुरी तरह से मारा, फिर हम कैसे यकीन करें कि वो तुम्हारा आदमी नहीं? असल में एक एमएलए को अपने इलाके के सब लोगों के बारे में कहाँ पता रहता है? तो फिर वो तुम्हें कैसे जानता है? नहीं बताऊंगा जनाब। बता। बताऊंगा तो मारोगे। अगर नहीं बताएगा तो जान से मार। हाँ। जनाब वो मेरा फैन है। वो तेरा फैन है या ऐसी है हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ से डिस्चार्ज होते ही हमें उसका पता चाहिए, नहीं तो तू इस दुनिया में नहीं दिखेगा, समझा? जनाब आप कब तक डिस्चार्ज होंगे? और 3 दिन में। जनाब आप यहाँ? जनाब यादगिरी, जनाब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अच्छा सुनो, कहाँ जा रहा है? दरवाजा बंद करने। झाड़ू ले लो, झाड़ू झाड़ू ले लो। बस भी, नीचे देखकर चलो। आ जाओ झाड़ू ले लो। ये बीन्स कैसे दिए? 20 रुपए का। आधे किलो दे दीजिए। बासी नहीं है बहन जी, बिल्कुल ताजे हैं। ताजे नहीं है बहन, बहन ताजे हैं, तोड़िए मत। किसे कैसे चुना जाता है मैं अच्छे से जानती हूँ। भिंडी को तोड़कर देखते हैं, मिर्ची को सूंघकर और लौकी को खरोंचकर, नारियल को हिलाकर देखते हैं। सब ऐसे करने लगे तो हम रास्ते में आ जाएंगे बहन जी। भैया जरा वो पपीता यहाँ देना। भाई साहब अभी तक पका नहीं है वो। अब इसके पकने का इंतजार करके इसे ऐसे यहाँ छोड़ दूं? जल्दी दो यार। भैया कल पकने वाली चीज आज कच्ची है, लेकिन एक हफ्ते पहले इसकी साइज और छोटी थी, उससे पहले एक फूल, उससे पहले बस एक कली, और उससे भी पहले
कुछ नहीं था, तो दो महीने पहले जो कुछ नहीं थी वो एक कली होकर फूल होकर थोड़ी थोड़ी पक कर बाद में फल बन गई। सो जो चीज दो महीने पहले बिल्कुल नहीं थी वो आज इतनी बड़ी हो चुकी है। हाँ, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? जी भाई साहब। कल क्या था वो नहीं बल्कि आज क्या हूँ वो देखना जरूरी है। ये गोभी का दाम सही से लगा लो भैया। नहीं लगा सकता। अच्छा ठीक है दे दो। रुको। देखो जब इसकी बॉडी ऐसी हो सकती है तो मेरी कैसे होगी जरा सोचो। रुक जाओ जनाब, आपकी बॉडी फौलादी है, लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। तुम अनुष्का हो या कतरीना हो जो तुम्हें पहचानूं? जनाब आपने महादेव को मारकर हमें बचाया था, गिरी याद गिरी डॉन का डॉन, उस दिन हम आपके फैन हो गए थे। हाँ जनाब आपका पता मिल सकता है? वो क्यों? मतलब 1 जनवरी को, बर्थडे को, फादर्स डे को, मदर्स डे को आपको ग्रीटिंग्स मुझे भेजना है। फूल भेजना भूल गया क्या? दर्द में भूल गया सर। कमीना जनाब। अबे तेरी तो। जनाब आप चाहे मुझे पीटें, गाली दें या जमीन में दफना दें, पर अपना पता मुझे दे दीजिए प्लीज सर। हाँ सुपरमैन, सुपरमैन। हे विष्णु, हैप्पी बर्थडे। वन सेकंड। मुझे ये नहीं चाहिए सुपरमैन। तो फिर क्या चाहिए? पूछना पूछ। गिफ्ट के तौर पर मुझे ही सुपरमैन बना दो सुपरमैन। मेरा मसला तुमने सुपरमैन बनकर बचाया था मुझे और अब तुम ही फंसा रहे हो। क्यों सुपरमैन? मैं सुपरमैन नहीं बन सकता क्या? बन सकता हूँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक्चुअली उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे सुपरमैन बना दो। मुझे भी सुपरमैन बनना है। मुझे भी सुपरमैन बनूंगा। तुम लड़की हो तो सुपरमैन कैसे बन सकती हो? तो सुपरवुमन बनूंगी। अरे पर अभी तक कोई सुपरवुमन हुई तो नहीं। मैं पहली सुपरवुमन बनूंगी। मैं सेकंड, मैं थर्ड। हाँ मैं भी। मुझे भी सुपरमैन बनना है। एक खामोश हो जाओ तुम लोग। बोलो सुपरमैन, मैं सुपरमैन बन पाऊंगा ना? बन तो सकते हो लेकिन झूठ नहीं बोल सकते हो ना। जब से तुमने कहा पावर घट जाती है तब से हमने झूठ बोलना बंद कर दिया। ओह, वो वाला प्लान तो ओल्ड हो गया है। ओके, तुम लोगों की वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। नेक्स्ट। सब एक साथ नहीं बताया जाता, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। ओके ओके, तुम यहाँ आओ। कहाँ पर? ओए वहाँ देखो। ए, ये तो बढ़िया है यार। क्या बढ़िया है, विश्व में यू मिस यू सुपरमैन। हाँ यार उसे ठीक कर दो सुपरमैन। चलो खींचने। अरे आओ ना। क्या सुपरमैन, तुम हमेशा अपनी पावर भूल जाते हो, ऊपर उड़कर उसे ठीक करके आओ। ऊपर? हाँ इसे लो। तेरी बिल्डिंग में सुपरमैन है? हट, सुपरमैन तो पूरे इंडिया में ही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तो टेरेस पे हमारा वेट करना, फिर खुद देख लेना। ओके ओके। Oh!
इस ट्रैफिक ने नाक में दम कर दिया। मम्मी जरा वहाँ देखो। हाँ? बड़ी मुश्किल से लाया हूँ जनाब। पकड़ कर लाओ उस कमीने को। ठीक है भाई। हे टकले, क्या है बोलो? बस अलविदा कहना था तुम्हें। हे चल मालिश कर। हाँ कर देता हूँ। अरे अंधे, हमारा हाथ टूटा था। अरे फिर से। इस जनाब, तरफ। जनाब। इस तरफ धीरे से, धीरे से, धीरे से, आराम से। जनाब, आपको जिसने पीटा था, अगर वो आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? पहले एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, फिर हॉस्पिटल में एक रूम बुक करेंगे, फिर ऐसे मारेंगे कि कम से कम एक साल तक। तो एम्बुलेंस बुक कर दीजिए, वो आ गया है जनाब। क्या उसे इतना जल्दी ले आए? उसे यहाँ लाना इतना आसान नहीं है। हाँ। वो खुद ही उड़ते हुए यहाँ पर पहुँच चुका है। क्या बक रहा है? चल मालिश कर। अरे मैं बक नहीं रहा हूँ जनाब। हाँ। उधर देखिए। क्या देखे? हाय काली, कहाँ है जनाब? आपने तो उसे बाहर भेज दिया। जल्दी जा और पकड़ उसे। अरे मैं, जल्दी मैं जा। तो उसे पकड़ पाऊंगा जनाब। अरे रुक जा भाई, दौड़ा मत ज्यादा, रुक जा, मुझे पकड़ना है तुझे। रुक जा, कहाँ गया, कहाँ गया जनाब? पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे तूने उसे नहीं पकड़ा है, उसने तुझे पकड़ा है। ए, काली वो यहाँ आया है, जल्दी से आओ। पकड़िए जनाब, पकड़िए, पकड़ लीजिए। अरे अरे जल्दी आओ, इधर आओ, इधर। वो भाग रहा है, पकड़ते हैं। आजा 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 जनाब। अरे वो पकड़ भाग रहा है। आजा आजा, रुक जा, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। पकड़ ले। अरे नहीं, ए हां, ए ये कहां गया? हां, ए आंख बंद कर, आंख बंद कर। वो उस तरफ है, पकड़ उसे, जल्दी जाओ। उस तरफ जा रहा है, रुक जा। कुछ लोग पीछे से जाएंगे। जल्दी आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। पता है ना उसका? भाई वो सिक्स डॉक्टर का एड्रेस है। हाँ? रख लीजिए जनाब, कभी काम आएगा। अबे चुप। अब लिखो पोर्चुगल। POR ओके। TU GAL एटमॉस्फियर। हाय सुपरमैन। हाय। एक बहुत ही जरूरी बात है सुपरमैन। क्या हुआ? झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है सुपरमैन? क्या कहा, झूठ? वैसे क्या झूठ? मैंने घर का एक्वेरियम तोड़ दिया, अगर माँ को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगी, इसलिए सोच रहा हूँ कि दादाजी का नाम बता दूँ। झूठ, इसे जरूरत पड़ने पर बोलो, बिना जरूरत पड़ने पर बोलो तो अंजाम बुरा होता है, इसलिए सोच समझ के करो। तो तुम अपनी माँ को जाके सब कुछ सच बता दो कि उसे तुमने तोड़ा है, ठीक है ना? ठीक है, जाओ। देखो अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तो मुझे परेशान करना बंद करो, समझ गए ना? बेटा गणेश, सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं मदद नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मदद मत करो। मेरी मदद करोगी तो अपनी दोस्त को धोखा दोगी। वैसे भी तुम्हारी दोस्त मुश्किल में है, ऊपर से तुम उसे धोखा दे रही हो। What?
धोखा। मैंने क्या किया? अब ये बहुत हो गया। तुम्हारी दोस्त दिव्या किसी से मोहब्बत करती है, उसे वो पसंद भी करती है, लेकिन बीच में कुछ तो मसला खड़ा हो गया जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं करी और अंदर ही अंदर बहुत गमगीन है। इनफैक्ट वो लड़का भी बहुत अच्छा है, अच्छा दिखता है, अच्छा रहता है, गलती हो जाती है तो माफी भी मांगता है, मदद करने के लिए थैंक्स भी कहता है। इतने अच्छे काबिल लड़के को वो तुम्हारी दोस्त मिस कर रही है, इनफैक्ट वो अपनी लाइफ को मिस कर रही है। तो ऐसे में तुम्हें अपनी दोस्त की मदद करने की बजाय सीढ़ियों पर टिप टिप चलना सही लग रहा है? वेट वेट वेट, मतलब उसे कहो तुम अच्छे हो और तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए? हाँ मतलब सीधे देखोगी तो वैसा ही है, लेकिन अगर घूम कर देखोगी तो। उसने उस दिन सही कहा था, तुमसे बात करूंगी तो दिमाग खराब हो जाएगा और रोज बात करूंगी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो आप लोगों का नजरिया है। फॉरगेट इट। हे दीपा प्लीज, बस ये एक हेल्प कर दो। देखो अगर तुमने हेल्प नहीं की ना तो क्या क्या कर लोगे? वन सेकंड। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें भूल गई है, है ना? मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ बताओ? उसके साथ 5 मिनट की मीटिंग करा दो। 5 मिनट काफी है? तो ठीक है 5 दिन। 5 दिन ज्यादा लग रहे हैं ना, तो उसे भी ऐसा ही लगेगा, तो 5 मिनट काफी है। 5 मिनट? वैसे मैं भला उससे क्यों मिलूं? हम मोहब्बत करते हैं ना। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती, मुझे परेशान मत करो। 5 मिनट दिला तो जिंदगी भर परेशान नहीं करूंगा। परेशान नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा। वैसे तुम 5 मिनट में क्या करने वाले हो? डिस्टर्ब करूंगा। जनाब आपका ऑर्डर। थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके। I love you! हाय, आओ बैठो बैठो। बताओ तुम क्या कहने वाले हो? मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, तुम्हें दिल से मोहब्बत करता हूँ, मेरा यकीन करो, यही ना? मैं क्या यकीन करूँ गणेश, उस दिन यहाँ सबके सामने चिल्लाकर तुमने आई लव यू कहा था, इसीलिए तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, इन सब में मुझे प्यार दिखा था और मैंने तुम पर यकीन कर लिया था। मैंने जो देखा, जब वो सच नहीं है तो तुम जो कहोगे वो सच कैसे होगा? सही कह रही हूँ ना मैं? 5 मिनट में से 1 मिनट पूरा हो गया है, बाकी बचे 4 मिनट, तो वो मैं कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। ओके बाय। तूने 5 मिनट कहा था इसलिए मैं यहाँ आई, अब वो जब कहेगा तब आऊंगी क्या? ए, वो आया, 1 मिनट खामोश रहकर चला गया और 4 मिनट बाकी है। कह रहा था कि जिंदगी में अब कभी तुझे परेशान नहीं करेगा। क्या हुआ? तुझे डर है कि इन 4 मिनट में कहीं तू डिस्टर्ब ना हो जाए? मुझे किस बात का डर, आने दो उसे। मैडम इसे ट्राई कीजिए। मांगे थे 5 मिनट और उसमें से 1 मिनट वेस्ट कर दिया, उससे बात करके उसे कन्विंस कर सकते थे। बोलने का मौका ही कहाँ मिला जो मैं कुछ कहता। ओके, ये कैसी है? ये वाली नहीं, वो वाली। ये दोनों पैक कर दीजिए। जी मैडम। क्या हुआ, हाथ फंस गया क्या? मैं खींचू क्या? चॉइस तो मैंने की थी, पेमेंट तुम करो। पेमेंट करना लड़कों को पसंद है। अच्छा, लड़कियों को क्या पसंद है? शॉपिंग करना। वैसे नेक्स्ट मीटिंग कब है? मैं फोन करूंगा। ओके। हेलो। फोन किया उसने? नहीं यार। फोन आया उसका? अब्रो नहीं किया। अब तक फोन नहीं किया क्या? किया। ठीक है। दादी बच्चे, अभी अभी लेकर आए। ये दे दो भैया। हाय। हाँ, 1 किलो। क्या उलिया बना रखा है? वो तो आप नहीं समझने वाली बेटा, प्यार में पड़ोगी तब समझोगी। आज पीला कपड़ा पहनने से हसरत पूरी हो जाती है, ऐसा एक ज्योतिष ने कहा था मुझसे, बहुत बड़ा ज्योतिष है, इसलिए कह रहा हूँ। येल्लो शू, येल्लो पैंट, येल्लो शर्ट, येल्लो बनियान, येल्लो कैप और येल्लो बस बस काफी है। अरे कर्चीफ है भाई। तो
तुम मार्केट में मिलना चाहते थे, इट्स ओके, पर किसी फ्लावर मार्केट में मिलना चाहिए था ना, सोने पर सुहागा हो जाता। कितनी बदबू आ रही है यहाँ, और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, वो पक्का नहीं आएगी। आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। आ गई ना। Countdown starts. इस बार के लिए भी एक मिनट काफी है, बाद में मिलते हैं, बाय। ओ सॉरी, पिछली बार टाइम नहीं बताया था ना, कल 327 को मिलेंगे हम। 327? पर क्यों? शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह मेरी राशि से प्रस्थान कर रहे हैं ना, इसलिए वो टाइम अच्छा होगा। ज्योतिषी जी, तुम इस बार भी बिल्कुल खामोश थे, बात करनी चाहिए थी ना। किसने कहा बात नहीं की? हाँ? मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, हमारी आंखों ने बातें की। उन बातों को लिखने के लिए कम से कम 2000 पन्ने चाहिए। क्या प्यार है हमारा, तुम नहीं समझोगी। दीपा, हाँ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है ना? नहीं। होगा भी नहीं, तुम्हें मेंटेन करने के लिए पर्स नहीं बैंक की जरूरत है। पेमेंट करके आओ। ए, मेरे पास नहीं है। मेरे पास है जनाब। तुम? जी जनाब, गिरी, याद गिरी, ऑन का डॉन, हम तो आपके फैन है जनाब। आपने उस दिन मुझे गलत एड्रेस क्यों दिया? सही गलत साइड में रख दो, एड्रेस दिया कि नहीं? यही पूछने के लिए आए थे। अब्बा, जनाब 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 जनाब, बस सिर्फ 5 मिनट, जिंदगी में कभी परेशान नहीं करूंगा। छू लिया तुमने। शुक्रिया जनाब। बस एक फोन करना है उस महादेव को ना। हा? शौक बाद में हो लेना, पहले उसको फोन करो, उसका मैटर क्या है देखता हूँ जनाब। हेलो। अरे ओ काली भैंस। भाई आपके लिए फोन है भाई। हेलो, मैं वही हूँ गिरी जिसका फैन है। अरे एक बार के मार से हफ्ते भर के लिए लेट गया था, तो अब क्यों दोबारा पंगा लेना चाहता है गधे? फिर धोइए, अच्छी तरह से धो दीजिए। गोबर से धुला हुआ मुंह है। अबे चूसे हुए आम की गुठली। जनाब जनाब, सुना है तेरी बीवी किसी के साथ भाग गई थी, सब लोग कह रहे हैं यहाँ पे। hey, hey! और सुना है तू किसी का थर्ड वाला है, ये बात भी लोग कह रहे हैं। हिम्मत है तो बता तू इस वक्त कहाँ पर है? hey, चार मीनार के सामने रिलायंस मार्केट में हूँ मैं, आ जाना। वहीं पर रुकना, वहीं पर रुकना, हम अभी आते हैं। आजा 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 आजा, आज फैसला हो जाएगी तू क्या है और मैं क्या हूँ। hey, hey, चल, आज इसे नहीं छोड़ेंगे। काफी है ना? हाँ काफी है। ये लो, ये लीजिए जनाब। हाँ? उसे बुलाकर आप कहाँ जा रहे हैं जनाब? तुमने 5 मिनट मांगे थे, हमने 10 मिनट दिए। अभी 10 मिनट कहाँ हुए, 5 ही मिनट तो हुए हैं। कंफ्यूज मत हो, हमने कितना मांगा था? 5 मिनट। हमने दिया कितना? 5 मिनट। दोनों को मिला के कितना? 10 मिनट जनाब। हाँ? वो बात नहीं है, आपने 4 ही मिनट तो दिया है। 5 और 5 कितना? 10। उतना ही जनाब, मानना पड़ेगा आपको, आई लव यू सर, उसे अब यहाँ आना ही होगा। वो पागल हो जाएगा, क्योंकि चार मीनार के सामने रिलायंस मार्केट ही नहीं है, और रिलायंस मार्केट के सामने चार मीनार नहीं है। सुपर आइडिया, मैं भी कल्टी मारता हूँ। The dial number is switched off. Please try later. ये खुद को समझता क्या है? टाइम बताया तो जगह भी बतानी चाहिए ना, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, अब कहाँ भटकेंगे? वो कहाँ होगा मैं जानती हूँ। चल बैठ। सही टाइम पर आ गई। आई आई, अकल नहीं है क्या? जगह तो बतानी चाहिए थी। आ तो गई ना। ओके चलो, हमारा शुभ समय शुरू होने वाला है। लो लो ना। ओके। ए, इस बार स्टॉपवॉच यूज करेंगे। ओके, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो स्टार्ट।
ओके हमारी मोहब्बत सच्ची नहीं है, तुम यही कह रही हो ना? इस बार तुम खुद डिसाइड कर लो, इन दोनों में से एक हाथ पकड़ो, अगर ट्रू लव आ गया तो मान लो ट्रू लव है, वरना नहीं है। हो, डर रही है कि कहीं ट्रू लव ना आ जाए। ओह देखा तुमने भी मान लिया कि ट्रू लव है। यस यस दूसरा हाथ दिखाओ। दिखाने के लिए बोले से दिखा दो ना। ए चीटिंग चीटिंग चीटिंग। ए इसमें चीटिंग क्या है? इसमें तुम्हारा ट्रू लव है, इसमें मेरा ट्रू लव। जब हमारा ट्रू लव है तो उसमें फॉल्स लव कैसे लिख सकता हूँ? सही कह रहा हूँ ना? ए स्मॉल ब्रेक। व्हाट? या आई विल बी बैक। हेलो जनाब मैं गिरी। अबे कमीने शर्म नहीं आती तुझे? हाँ कमीना टकला। वैसे तूने प्यार क्यों किया? प्यार? मैंने किससे प्यार किया जनाब? चुपकार। वैसे भी एक मर्द को प्यार शब्द यूज करने के लिए उसमें कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए पता है तुझे? उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, और ये सब होते हुए भी लड़की को हंसाना, भरोसा दिलाना, शॉपिंग के लिए ले जाना, उसे गिफ्ट खरीद के देना, एटलीस्ट नाम तो अच्छा होना चाहिए। नाम तो मेरा अच्छा है, गिरी, याद गिरी। अरे भाड़ में गया, क्या होता है ये गिरी? हाँ मेरा नाम देख, गणेश। कितना क्यूट नाम है, स्वीट है, लड़कियों को पसंद आता है, सुनते ही उन्हें छूने का मन होना जनाब चाहिए। पैसे नहीं है, आखिरी कॉइन डालकर आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप एक बार मिल जाते तो आपको महादेव को सौंप कर मैं गांव चला जाता। जनाब एक बार अपना करेक्ट एड्रेस बताइए ना। तुझे मेरा करेक्ट एड्रेस चाहिए ना? चल लिख ले। हाँ ठीक है जनाब, लिखता हूँ। हेलो 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 हेलो, मेरी किस्मत। हेलो ओके आई एम बैक। और हाँ पिछली बार मैंने लोकेशन और टाइम नहीं बताया था ना, डेक्कन पार्क, कल शाम 5 बजे, बी देयर। हाय। ए 5 बजे मिला था तो 4 बजे क्यों बुला लिया मुझे? बस टाइम पास करने के लिए। क्या? ए छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। ओ तो कोई देखना नहीं चाहिए क्या? तुम्हें ए ए ये भी 1 घंटे पहले आ गई। पूछ लो। ट्रैफिक में हूँ। ट्रैफिक? ट्रैफिक की आवाज नहीं आ रही? नहीं मतलब उसने 5 बजे तुम्हें बुलाया ना? अभी 1 घंटा बाकी है, बाय। झूठी कहीं की, मुझसे झूठ बोल रही है ये? हेलो एक्सक्यूज मी, अरे आप वो गणेश की माशुका है ना? ये क्या कह रहा होगा? अरे मैं हूँ जी गणेश का फ्रेंड, आपने पहचाना नहीं मुझे? उस दिन आप ऑफिस में आई थी ना, वो गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स पिज़्ज़ा कॉर्नर। अरे ये कहाँ से टपक गया? थिएटर नहीं पहचाना आपने? ये मार क्यों रही है? अरे तेरा टाइम सही नहीं है, पता नहीं क्यों इसके साथ लड़ गया। तूने जानबूझकर मुझे फोन किया? मुझे बताओ, वहां देखो वहां देखो। ओह हाय। तो दोनों मिलकर मेरा इम्तिहान ले रहे हो? हेलो हेलो हेलो, तुम दोनों के झगड़े में मुझे मत घसीटो। योर काउंटडाउन स्टार्ट्स। ए मैंने 5 बोला था, 4 बज रहे हैं खाली। स्टार्ट। देखो दीपा, वो गुस्से में है तो मैं जो कहूंगा वो समझेगी नहीं, इसलिए ये 1 मिनट मैंने उसको गिफ्ट में दे दिया। कह दो उसको, इस गणेश ने दिव्या को जो 1 मिनट दिया हुआ है यह पूरी दुनिया में इतिहास बन जाएगा, दिमाग में डाल लो। बाय।
ए, ऐसे मत देखो यार। उस केक को लेकर हम टेरेस पर जाएंगे, वाटर टैंक पर बैठकर ऊपर देखेंगे खुले आसमान के तारों को, फिर नीचे देखेंगे सिटी की लाइट्स दिखेंगी सितारों जैसी, फिर रात के 12 बजे हम वो केक काटेंगे। पहले तुम मुझे खिलाओगे, फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगी, और जब क्रीम मेरे यहां लग जाएगी तब मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगी, तुम मेरी आंखों में देखना, और फिर उसी तरह मैं तुम्हें किस करने लगूंगी, तुम दाई तरफ देखना। अर्जुन, क्या हुआ माँ? मेरे और मेरे भाई के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दिव्या की शादी लेट से हो रही है। एक बार तुम अपनी मामा से बात कर लो। ठीक है। ये लीजिए। क्या हुआ बड़ी माँ, आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया? तेरे लिए बास्केटबॉल गणेश के बर्थडे से बढ़कर हो गया है क्या? इस वक्त तुझे उसके साथ होना चाहिए था। गणेश यहाँ पर है? कहाँ है वो? गणेश! हाय। तुम ऐसा करोगे मैंने सोचा नहीं था। मैंने क्या किया? आहा, जो करना था वो सब करके ऐसे बनो जैसे कुछ पता ही नहीं है। मेरा कॉम्पिटिशन है, प्रैक्टिस के लिए जाना होगा, शाम को हम दोनों बड़ी माँ के पास जाएंगे, ये मैंने इसे बोला था। एक घंटा मेरे सामने बिठाकर सारी बातें मैंने समझाई थी। समझाई थी कि नहीं? हाँ, समझाया तो था। देखा, इतना समझाने के बाद भी आपके पास आकर शिकायत कर रहा है। मैंने कोई शिकायत नहीं की। तुम बात मत करो। मैं बोलूंगा। तो बोलो। क्या बोलूं? हैप्पी बर्थडे। जोर से बोलो। Thanks. क्या हुआ बड़ी माँ, क्या देख रही हैं आप? कुछ भी नहीं, दिल में इतना प्यार छुपा है, फिर भी इतनी दूरी बना रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? बताया तो आपको, तुम्हारा कंपटीशन मेरे जन्मदिन से बढ़कर हो गया था ना। क्या कहा? कुछ नहीं। इसने सब बता दिया, फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बस गुस्सा था। आप जाइए बड़ी माँ, इसके गुस्से से मैं निपटती हूँ। ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं अंदर हूँ। बड़ी माँ, आप भी रहिए ना प्लीज। कोई बात नहीं, आप जाइए। दिव्या, वैसे मैंने बड़ी माँ को कुछ नहीं बताया। क्यों, नया प्लान है? बड़ी माँ को हमारे बीच में लाकर कोई नया प्लान बना रहे हो क्या? इतनी मर्तबा तुम्हें समझाया, समझते क्यों नहीं हो गणेश? प्यार प्यार करके पीछे पड़े हुए हो, असल में प्यार का मतलब जानते भी हो? भरोसा होता है जो मुझे तुम पर नहीं है। गणेश, जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो उसके कोई भी बात सुने बिना हम समझ लेते हैं। तुम मेरे बारे में कितना जानते हो, मेरा फोन नंबर तक जानते हो? तुम्हारा फोन नंबर है 9177213676। जब भी कॉल करती थी सोचती थी हेलो दिव्या, ये कहोगे तुम मुझसे, लेकिन तुम हेलो कौन है ये कहते थे। मुझे कौन सा रंग पसंद है ये जानते हो? नहीं जानते। तुम्हें ब्लू पसंद है। मुझे कौन पसंद है, कैसे रहना पसंद है, क्या पढ़ रही हूँ, मेरे क्या एम्बिशन्स हैं,
तुम कुछ नहीं जानते और कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं एतबार करूं, है ना? मैं एतबार नहीं कर सकती। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे मेरा फिफ्थ मिनट चाहिए दिव्या। तुमने जो 5 मिनट मुझे दिए थे उसका आखिरी 1 मिनट मुझे अभी चाहिए। प्यार करने के लिए तुम्हें हजारों रीजन चाहिए पर मुझे एक भी नहीं चाहिए। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो दिव्या। मैं नहीं करती। करती हो। नहीं करती। जब प्यार नहीं करती हो तो मेरे पहले मिनट में तुम कैसे जान गई थी कि मैं क्या कहने वाला हूँ? बस मेरे इस सवाल का जवाब दे दो। मैं पसंद नहीं हूँ तो फिश मार्केट में क्यों आई थी तुम? ये बता दो तो मैं समझूंगा प्यार नहीं है। जब मैंने लोकेशन नहीं बताया था तुम एग्जैक्ट लोकेशन पर कैसे आई थी और मेरे बताए हुए टाइम के 1 घंटे पहले क्यों आई थी? मेरे दिए हुए 1 मिनट के लिए 23 घंटे 59 मिनट और हर सेकंड मेरा कॉल का इंतजार क्यों किया तुमने, बताओ तो मैं समझ जाऊंगा। कल रात जब मैं अकेला छत पर बैठा था तो मुझे देखकर आंखें क्यों भर आई, ये बता दो तो मैं समझ जाऊंगा प्यार नहीं है तुम्हारा। तुमने कहा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है लेकिन अब तुम मेरे साथ खुद को भी धोखा दे रही हो दिव्या। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, यही ना कि मेरा प्यार सच है और मुझे तुम्हें यकीन दिलाना है? इतना काफी है या जान भी चाहिए? बर्थडे गिफ्ट फर्स्ट किस यहीं पर हुआ था ना? ये वाला हाथ नहीं, ये वाला। उसकी वजह से नहीं, मैं तो बस ये देख रही हूँ कि कहीं तुमने किसी और को कन्विंस करने के लिए ये हाथ तो नहीं काटा। क्या हुआ, मान गए थे क्या? तुम्हें लगा तुम हाथ काट लोगे तो मैं भूलकर तुमसे फिर से मोहब्बत करने लगूंगी? बड़ी माँ को तकलीफ ना हो इसलिए मैंने नाटक किया। कितनी तकलीफ हो रही है ना, तो सोचो जब तुमने मेरे साथ इतने दिनों तक नाटक किया तो मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्या है, वो क्या है, तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देती थी मैं, लेकिन तुम्हें जवाब देना कभी जरूरी नहीं लगा, इसीलिए आई हेट यू। तुम्हें दिए 5 मिनट पूरे हो गए ना, आई होप अब मुझे परेशान नहीं करोगे। बाय। अरे वॉचमैन दिव्या आ गई क्या? नहीं जनाब, उनके मामा के खानदान के लोग आए हुए हैं। तुम बुलाते ही आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो दीदी, हम तो इंतजार कर रहे थे कि तुम कब बुलाओगी। हमारी बहू कहाँ है? वो बस आ ही रही है। हे दिव्या। मैं टाइम पास करने नहीं आया हूँ, तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात करने आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन गुस्से में किसी और से शादी करोगी तो ये सही नहीं होगा। दिव्या प्लीज, गुस्से में लिए गए फैसले कभी सही नहीं होते हैं और तुम अभी बहुत गुस्से में हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता दिव्या, प्यार और शादी एक समान नहीं है। प्यार में बिछड़े तो 2 ही लोगों पर असर पड़ता है लेकिन शादी में दरार आने पर पूरे परिवार पर असर पड़ता है। दिव्या प्लीज रुक जाओ, दिव्या प्लीज मेरा कहना मानो, सुनो तो दिव्या, तुम्हें मेरा प्यार झूठा लगता है ना, ठीक है, पर तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करती हो ना? सर थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम है, प्लीज दिव्या मेरी बात को समझो प्लीज। hey! राकेश चल उठ, तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे, चलो निकलते हैं। क्या हुआ भैया, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैंने फोन किया है बस वो आ ही रही है। क्या आ रही है, जा जाकर छत पर देख, वो वहीं पर है, किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। दीदी लगा था तूने हमें प्यार से बुलाया लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भागने वाली है, इसीलिए हमें बुलाया। तुम खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो, चलो चलो यहाँ से।
परवरिश तुमने भी की और हमने भी अपने बेटे की परवरिश की है। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा जी। दिव्या सुनो तो प्लीज। देख लो रुक जाइए सर। सर आपको गलतफहमी हुई है। तुम होते कौन हो बीच में आने वाले? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात हो चुकी है। उसका नाम गणेश है भाई। वो उसी बिल्डिंग में 802 नंबर फ्लैट में रहता है। मिठाई खाइए जनाब। एक मीठा खबर सुनिए। उसका नाम टोनी है। 10 डाउन स्ट्रीट लंदन। जनाब वो भारतीय नहीं है और ना ही शरीफ है। वो यहाँ एकदम अजनबी है। मैं सच कह रहा हूँ जनाब। वो पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। जब मैंने उसे आपके बारे में बताया तो वो घबरा गया, टूट गया वो और मुल्क छोड़ के भाग गया। अब कभी आपसे पंगा नहीं लेगा। कौन? वही जनाब जिसने आपको धोखा दिया, मेरा फैन। नाम गणेश है। एक्सप्रेस टावर 802 कोंडापुर। ये कौन है जनाब? वही जिसने तुझे बचाया था। हाँ। तेरा फैन। टू 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 डो। हाँ। इसे नीचे से लेकर ऊपर तक धो। जनाब ये लेकर मुझे छोड़ दीजिए। ले जा इसे। चल टकले। हाँ। बार में तुझे मारा था उसका बदला मत लेना आज। हाँ। दोस्त समझ के सहलाना। तू सारे लड्डू खा ले। महादेव ये लो तुम्हारे पैसे, गिन लो पूरे हैं या नहीं। चल ये तो ठीक है। अब ये बता उस गणेश के साथ तेरा क्या रिश्ता है? उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और एक बात, ऐसे बाजारू गुंडे मेरे घर पे दोबारा कभी मत भेजना। ए, ए, तू जा। उससे पूछे तो कह रहा है कि उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है और ये भी कह रहा है कि इसका उससे रिश्ता नहीं। जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो बीच में हम क्यों मार खाए? आखिर है कौन वो?
अपने गुंडों को भेजकर तुमने एक्सप्रेस टावर में मारपीट करवाई। दिव्या नाम की लड़की ने कंप्लेन की है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करने आए। दिव्या रमेश की बहन है जनाब। हाँ? क्या हुआ सुपरमैन? सुपरमैन होकर खुद के लव मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तुम? सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, बात जब प्यार की आती है ना तो सब ऑर्डिनरी मैन बन जाते हैं। अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या बात है, हैप्पी बर्थडे है क्या चलंदरा? किसका बर्थडे? अरे तुम इतने लोग अंदर क्यों आ रहे हो? वैसे बर्थडे है किसका? ऐसा नहीं अंकल, शादी के सिलसिले में बात करने आए हैं। माफ करना वास्वी, तुम्हारे बारे में नहीं है, दिव्या के बारे में है। ए, चलो बाहर निकलो। बात तो सुनिए अंकल। कहा ना, बाहर जाओ, जाओ सब लोग। दिव्या, महात्मा गांधी जी के बारे में फर्स्ट 30 पेज पढ़ने पर लोग उन्हें गलत समझते हैं, पर पूरी किताब पढ़ने पर वो एक महान व्यक्ति लगते हैं। ये बात तो तुमने ही हमें बताई थी ना दिव्या। ए, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहे क्या? चलो बाहर जाओ। आप जानते हो कि गणेश कौन है? ए, तुम लोगों को समझ में नहीं आया? चलो जाओ 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 जाओ। आपको चाहिए तो एक हफ्ते का टाइम देते हैं, पर आप गणेश को हाँ बोल दीजिए। ए, तुम लोगों को तो, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। पापा दरअसल। चुप हो जाओ। तुम दोनों के नाटक को ना समझकर हमने हमारी भांजी और दीदी पर शक किया, इन सब की वजह तुम हो। वो नहीं अंकल, वजह आप ही हो। हाँ अंकल, आंटी ने शादी के बारे में जरा सी बात कर दी तो आपने गाली दे दी, उसी डर की वजह से अपनी मोहब्बत के बारे में उसने नहीं बताया। बच्चों पर माँ बाप का डर नहीं, प्यार हावी होना चाहिए, ये सब उस कमी की वजह से हुआ है। वैसे इन दोनों की गलती क्या है अंकल? प्यार किया है, शादी करना चाहते हैं, ये गलत है क्या? प्यार? हम उसकी शादी किया उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं? उसकी शादी के लिए हमने 100 बार सोचा। हो सकता है शादी के बारे में आपने 100 बार सोचा होगा, पर प्यार में सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये तो बस ऐसे ही हो जाता है अंकल, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। सोच समझकर की गई शादी भी आजकल नहीं टिकती, तो क्या ये प्यार वाली शादी टिकेगी? जरूर टिकेगी अंकल, अपने प्यार को खोने के डर से जब ये मरने के लिए भी तैयार है तो शादी टिकेगी। अपने प्यार के लिए किसी से भी सामना करने की हिम्मत अगर उसमें है तो ये शादी टिकेगी। दो प्यार करने वालों का भरोसा अगर एक दूसरे पर बना रहेगा तो ये शादी जरूर टिकेगी। अंकल, आप में और हमारे में ज्यादा फर्क नहीं है, आप लोग शादी को समझने के लिए कहते हो और हम समझ कर ही शादी करते हैं। क्या सही है, आप ही फैसला कीजिए। और एक छोटी सी इल्तिजा है अंकल, ये मत सोचिए कि मैं झेल लूंगा, ये सोचिए कि मैं मान लूंगा, एक पिता की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह, फिर देखना सब कुछ मुमकिन लगेगा। इस सब की वजह यही है दीदी, इसको इसके प्यार से मिलाने के लिए उस गणेश ने यह सब किया, हमने नासमझी में आपको बुरा भला कह दिया, हमें माफ कर दो दीदी। हमारे परिवार वालों के मिलने की खुशी मनाओ या दिव्या के साथ जो कुछ हुआ है उसका अफसोस मनाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? ये मत समझना कि मैं गणेश के सपोर्ट में बात कर रही हूँ। बच्चे उसे पसंद करते हैं, बड़े उसे पसंद करते हैं, तेरा मामा भी उसे पसंद करता है, वो सब छोड़, मैं खुद उसे पसंद करती हूँ। और एक ऐसा इंसान अगर तुझे पसंद नहीं है तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है, तुझ में है। हाँ यार, बच्चों के साथ खेलता कूदता है इसलिए उन्हें पसंद करते हैं, वो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं इसलिए पेरेंट्स पसंद करते हैं, राकेश को उसके प्यार के लिए उसने मदद की इसलिए मामा को पसंद आ गया, उसने इनको धोखा नहीं दिया ना, मुझे धोखा दिया है। जब वो तुझसे गणेश का दोस्त बनकर मिला था तब तुझे धोखा नहीं लगा? प्यार करने के लिए झूठ बोला जा सकता है पर प्यार झूठ नहीं होना चाहिए। पता है उसमें क्या देखकर प्यार किया? कि वो मुझे देखे बिना एक पल नहीं रह पाता, मुझे इतना पसंद करता है इसलिए हाँ कर दी। 802 में गणेश रहता है, वो मुझसे प्यार करता है ये कहकर उसने खुद ही बताया था, ये मुझे पसंद आया, लोगों के सामने जोर से चिल्लाकर आई लव यू कहा था, ये मुझे पसंद आया। जिन जिन चीजों को देखकर मैंने प्यार किया वो सब तो झूठ निकला। ऐसी बात नहीं है, मेरे दर्द को तू नहीं समझ पाएगी, तू ही क्या कोई नहीं समझ पाएगा। ये समझने के लिए
प्यार होना जरूरी है, समझी? दिव्या, मुझे लगता है कि तुम गणेश को खामोखा जाने दीजिए आंटी। क्या हुआ दिव्या? सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं भैया, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। दीपा के साथ हॉस्टल में रहना चाहती हूँ। अपना ये फ्लैट खाली करके आप सबको यहाँ से दूर नहीं ले जाना चाहती। आपको ऑफिस यहाँ से पास में है, वासवी का स्कूल भी पास में है, इसीलिए। प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम सबकी है। मैं बात करके देखता हूँ, कोई अच्छा घर मिलेगा तो हम चले जाएंगे, ठीक है ना? सब लोग यहाँ आना। डिसीजन नंबर वन, इस गणेश चतुर्थी पर एक बड़े से गणेश जी रखेंगे। डिसीजन नंबर टू, गणेश और दिव्या को मिलाने का काम हमारा है, यही हमारा मकसद है। ओके ओके। पूजा बहुत अच्छी रही। हाँ, सेक्रेटरी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। ये सब आपकी मदद से हुआ है। रमेश जी, आप आज ही जा रहे हैं क्या? हम नहीं जनाब, आपका सामान लोड हो गया है। गणेश, तुम फ्लैट खाली कर रहे हो? हाँ अंकल, मेरे यहाँ होने से उसे तकलीफ हो रही है। उनका खुद का फ्लैट है, ऊपर से 10 साल पुराना है। अब खाली करने पर फिर से नए लोग, नई जगह सहना मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं अंकल, मुझे बचपन से नए नए लोगों के साथ नई नई जगह रहना ये आदत हो गई है, इसलिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ। अब तुम सब सुपरमैन बन गए हो, ऐसे रोते नहीं। हम सच में सुपरमैन बन गए हैं क्या? जिसने कभी पासिंग मार्क्स भी नहीं लाए उसने 72% मार्क्स लाए हैं, तो तुम सुपरमैन हो। तुम हमेशा लेट स्कूल पहुंचती थी, अब तुम सबसे पहले स्कूल बस में बैठती हो, तो तुम सुपर वुमन हो, वर्ल्ड की पहली सुपर वुमन। जो हमेशा झूठ बोलता है वो अब सिर्फ सच बोलता है, तो तुम सुपरमैन हो। तुम सुपरमैन, तुम सुपरमैन, तुम सुपरमैन हो। जरा रुको गणेश, मैं उससे बात करता हूँ। दिव्या, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, अगर गणेश को खो दिया तो समझो जिंदगी को खो दिया। देखिए, आप बड़े हैं इसलिए मैं चुप हूँ, मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या चाहिए। सर, हाँ मैंने नाटक किया था, उस दिन बेचारी एक लड़की अपने प्यार को खोने के डर से मरने वाली थी, एक जिंदगी को बचाने के लिए मैंने प्यार का नाटक किया, जो सही लगा वो मैंने किया। आज मैं जो भी हूं तुम्हारी नजरों में, लेकिन उस दिन उस पल से तुमसे सच्चा प्यार करने लगा था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताओ? मैं तुम सच जानकर भी उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहती हो, एक झूठ को देखकर तुम 100 सच को अनदेखा कर रही हो, और ये बिल्कुल सही नहीं। दिल की बात किसी को सुनाई नहीं जाती है दिव्या, इसे फील किया जाता है, सब कुछ समझ जाते हैं बस। और तुमने ही कहा था ना कि प्यार करने वाले को समझा जाता है, तो तुम अब तक मुझे क्यों नहीं समझ पाई दिव्या? तुम्हें लगता है किसी से दूर हो जाने से प्यार खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि दूर होने पर भी प्यार किया जा सकता है, और मैं इसीलिए जा रहा हूं। जब नाटक किया तब ऐतबार किया, अब सच में प्यार किया तो समझ नहीं पा रही हो? अब किसी की कोई बात मत सुनना तुम, मैंने जो कुछ भी किया वो सही था या गलत था, बस एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने दिल से पूछो,
वो भी यही कहेंगी कि मैं पूरी तरह सही था और अभी भी सही ही हूं। मैं नहीं जानता था कि किसी के जाने से क्या बीतती है, पर अब मैं समझ रहा हूं कि मुझ पर आखिर क्या बीत रही है। और एक बात दिव्या, दुनिया में माफ करने वाले ही प्यार कर पाते हैं। एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने दिल से पूछो, वो भी यही कहेंगे कि मैं बिल्कुल सही हूं, समझी? ये काफी है या मेरी जान भी चाहिए? भाई यही है वो लड़की। तूने ही हमारे खिलाफ कंप्लेन की थी ना, सिर्फ छूने पर ये कहेगी कि हमारे आदमियों ने मारा। कहाँ है वो, तेरा उसके साथ रिश्ता क्या है? चल बोल। ए, तमीज से बात कर। है? निकल, क्या रिश्ता है? सबको मार डालो, किसी को नहीं छोड़ा, एक एक को खत्म कर दो। अरे छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। Thank you.
बस ऐसे ही आने का मन हुआ था तो आ गया, जा रहा हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ। तो फिर जाओ। हाँ मैं सच में जा रहा हूँ यार। अरे मैं सच में जा रहा हूँ यार। जाओ 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 जा